वेलकम टू एडजोस। एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी को एसएससी जीडी का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो लोगों ने हमारे को भेजा है, व्हाट्सएप किया हमें, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर जो है इकट्ठा किया गया आप सभी के लिए, जिसमें हिंदी और जनरल नॉलेज जीएस के क्वेश्चन सारे यहाँ पर आपको देखेंगे। इसमें जो है जितने क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होगा और वो रिपीट भी हो सकता है सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 100% जो है वो सटीक, बिल्कुल जो पूछा गया है उसी तरह का बिल्कुल सेम पेपर है, वही पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया है। इधर उधर से कहीं से कोई क्वेश्चन कलेक्ट नहीं किया गया है, किसी कमेंट सेक्शन से नहीं लिया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीक प्रश्न है जो पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली एनालिसिस जो है एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, तो आप लोग को डेली एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो रात में 8:15 बजे तक आपको हर एक दिन जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस दिन परीक्षा नहीं होगी उस दिन एनालिसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया 18वें एशियाई खेल के जो शुभंकर है वो क्या है। तो शुभंकर देखिए यहाँ पे तीन शुभंकर होता है, मुझे पता नहीं कि ऑप्शन किस तरह से था, सिर्फ एक क्वेश्चन में कमेंट इस तरह का था कि एशियाई खेलों का शुभंकर। तो शुभंकर जो है वो तीन शुभंकर था, भिन्न भिन्न, अतुंग और काका। ठीक है, भिन्न भिन्न जो है वो स्वर्ग की चिड़िया को डिनोट करता है, अतुंग जो है वो एक हिरन और काका जो है वो एक गेंडा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था देख लीजिएगा उसके हिसाब से। अगर ये नहीं था तो इसमें होता है कि तीनों को मिलाकर जो एक शुभंकर बनता है वो लेता है जगह किसकी, द्रावा की। तो अगर ये ऑप्शन में रहा होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रावा। ठीक है, या फिर इसमें से अगर भिन्न भिन्न लिखा होगा, काका लिखा होगा, अतुंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर चिड़िया लिखा है, हिरन लिखा है और गेंडा लिखा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, या तीनों कंबाइन करके भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला है, आगे भी रिपीट होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या है, तो हसुआ और हथौड़ी, आपने देखा होगा हसुआ और साथ में जो है वो हथौड़ी भी है, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 फीफा ऑफ द ईयर किसे दिया गया, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर होगा। ठीक है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो ये लुका मॉड्रिक को दिया गया। लुका मॉड्रिक जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया फीफा ऑफ द ईयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार देखिए, साथ के साथ आप लोग 2017 भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2017-18 से भी पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको मिला था अन्ना बर्न्स को, जो कि मिल्क मैन इनकी पुस्तक है उसके लिए मिला था इनको मैन बुकर। अगर पुस्तक पूछा गया है तो मिल्क मैन होगा, अगर नाम पूछा गया है तो अन्ना बर्न्स होगा। और देख लीजिए दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ पूछी गई है तो आने वाले एग्जाम में जरूर इसमें से दूसरी चीज़ पूछी जाएगी। अगर मिल्क मैन पूछा गया है तो अन्ना बर्न्स जरूर पूछा जाएगा, और ये दोनों ही आगे की परीक्षा में रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसी अकेले बंदे ने नहीं किया, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। कब किया ये भी मैं बता देता हूँ, 1 जनवरी 1923 को किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 73वां संविधान संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। 73rd संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से भी संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 2019 में महिला बैडमिंटन का जो विजेता है कौन है। ये क्वेश्चन जानबूझ करके यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लैंक रखा है, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर देखिए नहीं है। 2019 में महिला बैडमिंटन का विजेता, अब ये एकल है, युगल है, क्या है, तो ये दोनों के लिए आपके लिए कमेंट करना है। आप इसको देखिए क्या क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें। नेक्स्ट है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और दूध से दही जो बनती है उसमें कौन से जीवाणु के कारण, तो लैक्टोबेसिलस, वो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2019 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के मुख्य अतिथि जो है वो किस देश के थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे और उनका नाम जो था वो साइरिल रामफोस था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नाम भी हो सकता है, मुझे ऑप्शन नहीं बताया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे वो थे कौन, साइरिल रामफोस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो ओडिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखेंगे एग्जाम वॉरियर्स जो पूछा गया है, एग्जाम वॉरियर्स पूछा गया है, एग्जाम वॉरियर्स, तो ये किसकी पुस्तक है, तो नरेंद्र मोदी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, आगरा में भी मोती मस्जिद है और दिल्ली में भी है। आगरा में भी लाल किला है और दिल्ली में भी। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिए, सारे रिपीट हो रहे हैं। बंगाल का विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये जो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो भी ऑप्शन रहा होगा आपका जरूर क्लियर हो जाएगा ये सारा। खरीफ फसल जरूर बोई जाती है, जून जुलाई में खरीफ फसल का समय होता है खरीफ का, और इसमें फसल जो होती है धान बाजरा मक्का ज्वार, इस तरह की फसलें होती है। तो जो भी ऑप्शन में होगा अब आपका जरूर ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र का लोक संगीत क्या है, ये पूछा गया है। तो यह है नाट्य, वहाँ का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? देखिए कितनी बार मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ये क्वेश्चन बताया हुआ है। लेटेस्ट अभी हमने 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और 1000 क्वेश्चन के जीके जीएस के लिए काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। आपके पास कम समय है, आगे आने वाला परीक्षा है। देखिए रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी फिर से आ गई है, और इसका जो फॉर्म भरा जाना है वो मार्च में भरा जाना है। तो जितनी भी वैकेंसी रेलवे की, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, एसएससी जीडी की मान लो खत्म हो जाएगी, लेकिन रेलवे फिर से आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि टीसीएस जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और क्वेश्चन का कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। इसका सबसे पहले जो उद्घाटन किया गया, यानी शुभारंभ किया गया, रांची झारखंड में इसका प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, इसमें इसमें जो है सो गरीब परिवार को जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, उसको 5 लाख तक का कवर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ किस अनुसूची में भाषा को रखा गया था? ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संविधान में इसको रखा गया, भाषा को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, जैसे डॉक्टर जो है ईएनटी के डॉक्टर किस चीज़ का, किस दर्पण का यूज़ करते हैं, या किस लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेंस होगा। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा जो है दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हजामती दर्पण में किस तरह के दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किस तरह का जो है उसको निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के अनुसार भीष्म किसके पुत्र थे, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो ये गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीमा किस देश की जो है वो राजधानी है, ये कुछ पूछा गया है, तो पेरू की। तो जो देश और उनकी राजधानी, कल भी मैंने बताया था, देश उनकी राजधानी लगातार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। राज्य और उनकी राजधानी, उनके सीएम और राज्यपाल, ये लगातार पूछे जाएंगे और रिपीट भी होंगे। नेक्स्ट है, ओलंपिक झंडे से में कितने वलय होते हैं? तो वो 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये बेरियम के कारण से आतिशबाजी, यानी पटाखे में। अब यहाँ पर सीधे डायरेक्ट देखा जा सकता है, पटाखे में जो पटाखा चलाते हैं तो उसमें हरा रंग किसके कारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, तो बेरियम के कारण। 90वां ऑस्कर पुरस्कार जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला है? तो द शेप ऑफ वाटर, ये फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, द शेप ऑफ वाटर को 90वां ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये एडमिरल सुनील लांबा, ये बता चुका हूँ मैं, करंट अफेयर्स की वीडियो में बता चुका हूँ, निकट लेटेस्ट जो वीडियो उपलब्ध कराई थी जिसमें कि वर्तमान समय में कौन क्या है, उसमें सारे क्वेश्चन बताया हुआ मैंने, नौसेना थल सेना वायुसेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? कृष्णा सोबती। आप हमारी वीडियो को डेली देखने की आदत डाल लीजिए, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, कॉम्पिटिशन से लेकर सभी वीडियोज, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को छूट ना पाए, वो वीडियो आप जो बिल्कुल जरूर देखिए। इसीलिए मैं आप कहता हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, कृष्णा सोबती को दिया गया। ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जितनी बार मैंने वीडियो बनाई है ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेके उसमें हर एक बार मैंने बताया 2018 का किसको मिला, 2017 का किसको मिला। तो 2018 का जो मिला वो किसको मिला, अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया था। नेक्स्ट है उस अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है जिसकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, तो ये कोलंबिया यान था, ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ आयोजित होगा, यानी कौन आयोजित करेगा, तो पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पर जो है पद पर रहते हुए हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है, या पाक जलडमरू मध्य भी आपको नजर आएगा कहीं पर, पालकर स्ट्रीट भी नजर आएगा, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलसंधि, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाएगा, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। कल की वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र के लिए कौन सी राजधानी, यानी भारत का कौन सा राज्य जो है जिसकी राजधानी है वो बताना है आपको, तो सूती वस्त्र के लिए वो प्रसिद्ध है, तो मुंबई है जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पर राज्य न पूछ करके राजधानी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, और पानी में नमक का प्रयोग करने से क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो घटता है। जब पानी में आप नमक डाल देंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की हिंदू मंदिर का नाम बताना है जिसमें वहाँ की सरकार ने मान्यता, जिसे वहाँ की सरकार ने मान्यता दिया है, तो यह है पंज तीर्थ, ठीक है, नाम है इसका पंज तीर्थ, जो कि पेशावर में है। अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है जिसमें शैल होगा इसका सही आंसर। इच्छा का पर्यायवाची क्या है, तो यह अभिलाषा, और भी वो चीज़ें हो सकती हैं जो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो भारी विपत्ति आना, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कमल का पर्याय, तो कमल का पर्यायवाची सब पूछा गया, तो जलज पंकज सरोज नीरज ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन के अंदर आपके सामने क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कलेजे पर पत्थर रखना तो ये होता है घोर दुख होना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऊष्मा का विलोम पूछा गया है शीतलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम पूछा गया है, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ परार्थ, ये ऑप्शन में क्या था इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने हमसे शेयर नहीं किया ऑप्शन क्या था, आप लोगों से संभव भी नहीं है कि ऑप्शन पूरा याद रखा जाए, क्योंकि आंसर तो याद रखा जा सकता है। कृतज्ञ का समानार्थी जो है वो आभारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शिक्षक का पर्यायवाची क्या है, तो यह गुरु आचार्य अध्यापक, ये सारे शिक्षक के पर्यायवाची हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या रहा होगा। उसके बाद है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो निश्चिंत होकर या फिर बेखबर होकर सोना, ये उसका अर्थ होता है। ओखली में सिर मारना, ठीक है, या ओखली में सिर रखना जो होता है जानबूझकर जोखिम में डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो ये होता है मित्र के रूप में शत्रु, आस्तीन का सांप मित्र के रूप में शत्रु, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपव्यय का विलोम, तो अपव्यय का होता है मितव्यय, मितव्यय, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो कि एसएससी जीडी के 15 फरवरी को सभी शिफ्ट में पूछे गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।